भारत बंद के दौरान बुधवार की सुबह टेलीफोन एक्सचेंज चौक से जय दुर्गा ऑटोमोबाइल नाम से संचालित पेट्रोल पंप पर अज्ञात हमलावरों ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई की, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया है। हमले के विरोध में गुरुवार को विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन देर रात पुलिस आयुक्त द्वारा पेट्रोल पंपों पर रोजाना बीट मार्शल द्वारा पेट्रोलिंग शुरू करने का आदेश देने के बाद संचालकों ने बंद वापस ले लिया। कल सकाळी 9:15 दरम्यान आम्ही सर्व पेट्रोलिंग करत असताना काबरा पेट्रोल पंप टेलिफोन एक्सचेंज जवळ गर्दी दिसली, त्यामुळे मी स्वतः असल्याने पेट्रोल पंपाला भेट देऊन विचारलं की काय झालं। त्यावर त्यांनी सांगितलं की काही लोक इथे आले होते आणि तलवार वगैरे घेऊन त्यांनी 100 रुपये पेट्रोल जे भरलं होतं त्याचे पैसे देण्याला नकार दिला आणि त्याच्यामुळे त्यांची वादावादी झाली होती। मी तिथे लकडगंज पोलीस स्टेशनचा स्टाफ तिथे पोहोचला, फिर्यादीला ठाण्यात आणलं, त्याची तक्रार घेतली आणि त्याच्यावर 506(b), 504 आणि 425 आर्मॅकनुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे। एक आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे, उर्वरित आरोपी अटक करण्याची। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से मारपीट गाली गलौज की घटनाएं बढ़ी है, जिससे इन असामाजिक तत्वों की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों में दहशत है। इस बारे में संगठन की ओर से 14 जनवरी को पुलिस आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया था। तीन जन आए थे, एक गाड़ी पे तीन, जिसमें से दोनों में एक एक गाड़ी के अंदर में एक लड़कियां थी। पेट्रोल भरे दोनों ने 100-100 रुपए का। आदमी ने पैसे मंगा तो बोले हमको कार्ड करना है। बोले कार्ड करने के लिए हमारे पास में काउंटर पर मशीन रखी हुई है, यहाँ काउंटर पर आना पड़ता है। लेकिन उन्होंने बीच में से गाड़ी घुमा ली तो आदमी ने उनको रोका तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और उनके पास में जो चक्कू था जो जिससे मारते हैं वो निकाल के उन्होंने मारा पीटी करना चालू कर दी, जिसमें से एक आदमी को मेरे को घाव भी लगा मेरे पंप के स्टाफ को, और हवा वाला आदमी जो था वो बचाने के लिए गया तो उसकी उंगलियों पर भी घाव लग गए। फिर बाद में वो लोग भाग गए वहाँ से। ऐसे बचाव उसका आर्य सब चला उसके अंदर में, मारा पीटियाँ बहुत हुई। तो अभी पुलिस में शिकायत दी कौन थे, क्या थे, उसकी जानकारी? पुलिस में शिकायत दी हमने तो हमारा एक फ्रेंड था जो सब यहाँ चीज़ें देख रहा था, उसने वो लोगों को पीछा किया तो मस्का साथ में वो लोग खड़े थे। हम लोग पुलिस थाने पहुँचे, वहाँ से पुलिस लेके हम लोग जब तक मस्का साथ चौक पर पहुँचे तो उन्होंने पुलिस खड्डा कर देख कर उन्होंने भागना चालू किया। इस बीच में एक आदमी पकड़ा गया जिसको हमने तुरंत के तुरंत थाने में लेके गए, वो अभी तक थाने में ही है, बाकी 5 लोग पकड़े जाने के हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरा खड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।